Hey you guys, it's Arish and welcome back to my channel. So in today's video I'm going to share with you some tips and tricks the way I do my facials at home. तो उसके लिए मैं ले रही हूँ जॉल एंड ब्लीच. आई यूजली डू पॉलिशर्स बट लॉकडाउन की वजह से मेरे पास जो स्टफ अवेलेबल है मैं उसी से ही काम चलाऊँगी. तो मैंने एक जॉल एंड क्रीम ली है, उसमें मैं डालूँगी ग्लिसरीन के ड्रॉप्स और एक वाइटामिन ई का कैप्सूल. इससे क्या होगा, जो ब्लीच की हार्शनेस है वो सॉफ्ट वो माइल्ड हो जाएगी क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है. तो मेक श्योर योर फेस इज़ वॉश्ड एंड क्लीन. Entire face. Now what I'm going to do is I'll apply it on my entire face. अच्छा जी, तो अच्छे से स्प्रेड हो गई है. नाउ आई वेट फॉर लाइक 7 मिनट्स, उसको मैं चेक करूँगी और अगर मुझे लगे कि जिस तरह उसका इफेक्ट नहीं आया, मेरे बाल गोल्डन नहीं हुए, तो मैं उसको 5 मिनट और लगने दूँगी. आई एम गोइंग टू अप्लाई डर्माकॉस की मसाज क्रीम. आप कोई भी मसाज क्रीम ले सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैं उसको लगाऊंगी, उससे अपना फेस अच्छे से मसाज करूंगी और प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करूंगी अपनी स्किन को सूट करने के लिए. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई डर्माकॉस का स्क्रब. मुझे ये स्क्रब पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसके जो ग्रैनुलर्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं एंड दे आर वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल ऑयल स्किन. तो मैं उसको अच्छे से मसाज कर रही हूँ एंड अपना जो नोज़ एरिया है उसको भी ब्लैक हेड सॉफ्ट करने के लिए मसाज कर रही हूँ, अपनी चिन को, अपने अपर लिप्स के एरिया को, क्योंकि मेरी वहाँ पर थोड़ी सी डिस्कलरेशन है. नाउ वंस इट्स डन जस्ट क्लीन योर फेस. और अब मैं लूँगी स्टीम. स्टीम बहुत सिंपल है, अगर आपके पास स्टीमर है वेल एंड गुड. मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने एक पॉट में पानी गर्म किया और उसको मैंने टॉवल से कवर करके 2 से 3 मिनट की स्टीम ली. ओके, स्टीम के बाद नाउ इट्स टाइम टू एक्सट्रैक्ट योर ब्लैक हेड्स. अगर आपके पास ब्लैक हेड पिन है वेल एंड गुड, उसको स्टरलाइज करें और उसे साफ करें. बट मुझे ब्लैक हेड पिन से बहुत पेन होती है तो मैं रिवाज का ब्लैक हेड रिमूवर मास्क अप्लाई करूँगी. एज यू कैन सी कि ये बहुत टाइट मास्क है और ये पेन करता है बट इन द एंड योर स्किन इज केयर. तो एज यू कैन सी कि इसने कितने अच्छे से अपना काम किया है, इसने सारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स मेरे जितने भी हैं वो रिमूव कर दिए. अच्छा, इसके बाद मैं मास्क अप्लाई करूँगी. तो मास्क के लिए मेरे पास एक फार्मेसी से मैंने लिया था पील ऑफ मास्क, ये अवेलेबल है तो मैं ये लगा रही हूँ. ब्रश से लगाऊँगी फिर इसको मैं अपने फिंगर से स्मूदिंग करूँगी, इसको मैं ड्राई होने दूंगी. जैसे ये 50-60% ड्राई हो मैं लिप स्क्रब लेके अपने लिप्स को भी स्क्रब करूँगी. लिप्स भी अच्छे से स्क्रब हो गए हैं और मेरा मास्क भी ड्राई हो गया, अब मैं इसको उतारूंगी. सो गाइस, नाउ एज यू कैन सी माय फेशियल इज डन. मैं अपने फेस पर रोज वाटर स्प्रे करूंगी और उसके बाद मैं बायोडर्मा की मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करूँगी. ये बहुत अच्छी है एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन के लिए है. दैट्स इट गाइस फॉर द वीडियो. आई रियली होप यू लाइक इट. इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डू फॉलो मी इंस्टाग्राम. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.